फंदे डाले हैं। अब उसके बाद ये जो मैं पैटर्न डालूँगी वो हमारा 24 फंदे का, 24 फंदे का है, और इसमें से हम जो है बीच में 24 फंदे रखेंगे और साइड साइड का हम प्लेन बनाएंगे। यहाँ पे मेरा 65 फंदे थे, 25 फंदे मेरे बीच में हो गए और 20 फंदे ब्लू और 20 फंदे इस साइड में ब्लू, बीच में हमारा ये पैटर्न बनेगा। आइए देखते हैं इसको कैसे बनता है। आगे ईट वाले डिज़ाइन बनाने के लिए इसमें हम पहले 1 ब्लैक, 1 काला बनाएंगे, 1 रेड बनाएंगे, फिर 1 काला, 1 ब्लैक, फिर 4 रेड, 4 लाल रंग से बनाएंगे, फिर 1 काला, 4 रेड, 1 2 3 4, 4 रेड, फिर 1 ब्लैक, फिर 4 रेड, 1 2 3 4, 1 ब्लैक, यहाँ पे 1 ब्लैक, 1 रेड, फिर 1 ब्लैक, 4 रेड है, फिर 1 ब्लैक, 4 रेड, 1 ब्लैक, 4 रेड, 1 ब्लैक, 2 रेड, और फिर 1 ब्लैक, 3 रेड और 1 ब्लैक। अब नेक्स्ट लाइन जो है बाकी ब्लू वाला, हम पूरा ब्लू बिन देंगे जो साइड में बचा हुआ है। बैक साइड में ब्लू पे ब्लू आ जाएगा, यहाँ तक पूरा बिन लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे कलर चेंज करेंगे। ये ब्लैक आ गया तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये 3 रेड था, उसके ऊपर पूरा ब्लैक बन जाएगा मेरा। अब उसके बाद जो है यहाँ पे 4 रेड बनेगा, और बैक साइड में रेड के ऊपर रेड, ब्लैक के ऊपर ब्लैक बनेगा। ये मेरी थर्ड रो कंप्लीट हो गई। फोर्थ रो में क्या करेंगे, ये पूरा ब्लैक यहाँ से यहाँ तक पूरा ब्लैक मेरा बन जाएगा और ब्लू पे ब्लू बन जाएगा। फोर्थ रो में कुछ नहीं चेंज करना है, ये पूरा ब्लैक बनेगा और ब्लू पे ब्लू बन जाएगा। ये पूरा मेरा ब्लैक बन गया, और ये यहाँ पे जो है 2 रेड 1 ब्लैक, उसके बाद पूरा ब्लू बन जाएगा। इधर जो है पूरा हमारा ब्लू बन जाएगा। ये मेरा फिफ्थ रो आ गया बैक साइड में। यहाँ पे 1 ब्लैक, 1 ब्लैक, 4 रेड, 1 2 3 4, 4 रेड हो गया, फिर 1 ब्लैक, 4 रेड, 1 ब्लैक, इस तरह से ये पूरा यहाँ तक हमारा बन जाएगा। ये फिफ्थ रो में इस तरह से हमारा बन जाएगा, 4 रेड 1 ब्लैक, 4 1 4 1, इस तरह से बन जाएगा। लास्ट में एक हमारा ब्लैक आ जाएगा, फिर बाकी ब्लू पे ब्लू ही चलेगा, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। सिक्स रो में ब्लैक के ऊपर ब्लैक और रेड के ऊपर रेड ही रिपीट होगा, बाकी ब्लू वाला साइड साइड का बन जाएगा। ये मेरी सिक्स रो कंप्लीट हो गई, रेड पे रेड, ब्लैक पे ब्लैक। सेवेंथ रो बैक साइड से बनेगी, और यहाँ पे ये जो है पूरा ब्लैक बन जाएगा, यहाँ से यहाँ तक पूरी ब्लैक धारी, जैसे यहाँ पे बनी थी उसी तरह से यहाँ पे पूरी हमारी ब्लैक धारी बन जाएगी।
ये सातवीं रो मेरी बन गई। आठवीं रो में ये जो फर्स्ट रो यहाँ पे हम बनाया था, एक रेड एक ब्लैक, फिर चार रेड, फिर वन ब्लैक, फिर फोर रेड वन ब्लैक, फोर रेड वन ब्लैक और टू रेड, यहाँ तक ये मेरा रिपीट हो जाएगा। अब ब्लू पे ब्लू बनेगा और इसके बाद ये वाला पैटर्न जो है यहाँ पे फिर से मेरा रिपीट हो जाए। ये बन गई और उल्टे तरफ से रेड पे रेड और ब्लैक पे ब्लैक बन जाएगा पूरा मेरा। दसवीं सिलाई जो है, टेंथ रो जो है, जैसे मेरी ब्लैक पूरी धारी बनी थी, यहाँ पे भी उसी तरह से पूरी ब्लैक धारी बन जाएगी, बाकी ब्लू ब्लू बन जाएगा। यहाँ मेरा इलेवेंथ रो बनेगा। तो इलेवेंथ रो में जो है वन ब्लैक फोर रेड, जैसे यहाँ मैंने बनाया वन ब्लैक फोर रेड, वन ब्लैक फोर रेड, वन ब्लैक फोर रेड, वन ब्लैक और फोर रेड के बाद एक वन ब्लैक। तो ये सेम पैटर्न है इलेवेंथ इलेवेंथ ट्वेल्थ थर्टीन, और थर्टीन रो में पूरा हमारा ब्लैक बन जाएगा। तीन रो जो है सेम जो है ये रिपीट होगा यहाँ पे। ये इलेवेंथ रो कंप्लीट हो गया, ये मेरा ट्वेल्थ रो कंप्लीट हो गया, थर्टीन रो में पूरी ब्लैक बन जाएगी। तो इस तरह से जो ईट वाली डिज़ाइन हमारी बहुत ही इजी है, बहुत ही सुंदर है, बन कर के तैयार हो जाती है। आइए इसके आगे का देखेंगे, रो फोर्टीन। ये आ गई मेरी रो नंबर फोर्टीन। रो नंबर फोर्टीन से हमारा ये फेस वाला पोर्शन बनना शुरू होगा। यहाँ पे वन ब्लैक बनाएंगे और इधर लास्ट में वन ब्लैक रहेगा, बीच के 19 फंदे वाइट बन जाएंगे। रो नंबर 14 के बाद रो नंबर 15 बैक साइड से मेरा शुरू हुआ है। यहाँ पे एक ब्लैक बढ़ इधर बढ़ जाएगा, 19 था तो यहाँ पे एक ब्लैक बन जाएगा और बाकी सब वाइट बन जाएंगे। वाइट बन जाए 21 वाइट फंदे बीच के सारे बन जाएंगे, लास्ट का एक ब्लैक बन जाएगा। 21 फंदे वाइट बन जाएंगे ये हमारा बीच का बैक साइड से। रो नंबर 15, 18 के बाद 19, 20, 21, 20, 21। अब उसके बाद एक ब्लैक, ये ब्लू किट पे एक बढ़ जाएगा इधर, अब बाकी सारा ब्लू बन जाएगा। अब रो नंबर 16 पे आते हैं। रो नंबर 16 हमारा सेम बन जाएगा, ब्लैक पे ब्लैक और वाइट पे वाइट, 21 फंदे वाइट बन जाएंगे और लास्ट के एक एक फंदे ब्लैक बन जाएंगे। अब यहाँ आ गया हमारा रो नंबर 17। रो नंबर 17 में वन ब्लैक फाइव वाइट, पांच सफ़ेद बनेगा, वन टू थ्री फोर फाइव वाइट के बाद थ्री ब्लैक, वन टू थ्री, फिर फाइव वाइट, वन टू थ्री फोर फाइव वाइट के बाद फिर थ्री ब्लैक, वन टू थ्री ब्लैक, फिर फाइव वाइट, वन टू थ्री फोर फाइव, उसके बाद लास्ट में एक ब्लैक। ये मेरा बन गया वन ब्लैक फाइव वाइट रहेगा, तीन ब्लैक, फिर बीच में पांच सफ़ेद, फिर तीन ब्लैक और फिर पांच सफ़ेद एक काला, बाकी सब ब्लू बन जाएगा रो नंबर 17। अब रो नंबर 18 में हम आते हैं। रो नंबर हमारा 18 आ गया, इसमें जो है वाइट के ऊपर एक ब्लैक बन जाएगा, वन ब्लैक
फाइव ब्लैक, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव वाइट के ऊपर पूरा फाइव ब्लैक बन गया। फिर तीन ऑरेंज बनेगा यहाँ पे मेरा, फाइव ब्लैक थ्री ऑरेंज, फिर फाइव ब्लैक, वन टू थ्री फोर फाइव, फिर थ्री ऑरेंज, वन टू थ्री, फिर इसके बाद फाइव ब्लैक बन जाएगा। फाइव ब्लैक ये मेरा बन गया रो नंबर 18। अब यहाँ पे ब्लू बन जाएगा, फिर पूरा ब्लू बन जाएगा। बाकी रो नंबर 19 में यहाँ मेरा फोर ब्लू बन जाएगा, ब्लैक के ऊपर चार नीला बन जाएगा। ये जो था इसके ऊपर चार नीला, यहाँ पे एक ब्लैक, तीन ऑरेंज, ऑरेंज के ऊपर ऑरेंज, तीन ऑरेंज, वन ब्लैक, रो नंबर 22 में वन ब्लैक, जो ब्लैक बना था इसके ब्लैक के ऊपर वन ब्लैक, फाइव ऑरेंज, वन टू थ्री फोर फाइव ऑरेंज, वन वाइट, थ्री ब्लैक, वन टू थ्री ब्लैक, फिर वन वाइट और फाइव ऑरेंज, वन टू थ्री फोर फाइव ऑरेंज, फिर वन ब्लैक, फिर बाकी ब्लू। ये बन गया रो 22। अब 23 पे आते हैं। रो नंबर 23 में ब्लैक पे ब्लैक, ऑरेंज पे ऑरेंज, वही जैसे बना था 22 वही रिपीट होगा। ऑरेंज के ऊपर ऑरेंज, वाइट पे वाइट, ब्लैक पे ब्लैक। रो नंबर 24 चौबीसवें सिलाई में वन ब्लैक, तीन ऑरेंज, वन टू थ्री ऑरेंज, वन ब्लैक थ्री ऑरेंज, टू ब्लैक वन ऑरेंज, फिर थ्री वाइट, फिर उसी तरह से यहाँ पे वन ऑरेंज, टू ब्लैक, फिर थ्री ऑरेंज, वन ब्लैक। ये हो गई हमारी रो नंबर 24 सिलाई। ये हाथ का पोर्शन बन गया, मुंह का बन गया, ये आँख का बन रहा है। रो नंबर 25 में ये ब्लैक के ऊपर एक ब्लू लग जाएगा, वन ब्लू, और यहाँ पे ऑरेंज के ऊपर एक ब्लैक, और यहाँ पे दो ऑरेंज हो जाएंगे। तीन ऑरेंज की जगह था पहले, तो यहाँ पे दो ऑरेंज हो जाएगा, वन ब्लैक टू ऑरेंज, वन ऑरेंज, वन ब्लैक टू ऑरेंज, फिर टू ब्लैक, फिर ऑरेंज। ये बन गया बीच में फाइव ऑरेंज, टू ब्लैक, और ये बन गया इधर। यहाँ पे एक ये है तो यहाँ नीला हो जाएगा, एक ब्लैक के ऊपर ये
ब्लू बन जाएगा, बाकी सारा ब्लू बन जाएगा। रो नंबर 26 में किनारे किनारे ब्लैक बनेगा, बीच के पूरा ऑरेंज हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऑरेंज बनेंगे और साइड साइड के 1 ब्लैक बन जाएंगे। रो नंबर 27 में 2 ब्लैक बन जाएगा, अब ऑरेंज बाकी बन जाएंगे, ऑरेंज के ऊपर ऑरेंज बन जाएगा। 27 में 2 ब्लैक, बाकी बीच के ऑरेंज पूरे बन जाएंगे। रो नंबर 28 में 1 ब्लैक और ये 2 ब्लैक थे उसके ऊपर 2 ऑरेंज बन जाएगा। 1 2 1 ब्लैक 2 ऑरेंज, बीच के 11 फंदे ऑरेंज बन जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 ऑरेंज बन गए। फिर उसके बाद 1 ब्लैक 2 ऑरेंज, फिर 1 ब्लैक, ये बन गया हमारा। बाकी सारे ब्लू। रो नंबर 29 में 1 ब्लैक 4 ऑरेंज, 1 2 3 4, 1 ब्लैक 4 ऑरेंज, 9 ब्लैक बीच के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ब्लैक हो गया। फिर 4 ऑरेंज, 1 2 3 4 ऑरेंज, 1 ब्लैक, ये बन गया हमारा। 1 ब्लैक 4 ऑरेंज, बीच में 2 3 4 5 6 7 8 9 ब्लैक और 4 ऑरेंज ब्लैक, बाकी सब ब्लू। रो नंबर 30 स्टार्ट करते हैं। 30 तीसरी सिलाई में 1 ब्लैक 3 ऑरेंज, 9 व्हाइट, 1 ब्लैक 3 ऑरेंज, फिर 1 ब्लैक। वन टू थ्री ऑरेंज एंड 1 ब्लैक, ये हो गया रो नंबर 30 कंप्लीट। 31 पे आएंगे। रो नंबर 31 में ब्लैक के ऊपर एक ब्लू बन गया और 3 ऑरेंज के ऊपर हमारा ब्लैक बन जाएगा। वन टू थ्री, फिर 1 ब्लू, ये ब्लैक के ऊपर 1 ब्लू हो गया। फिर यहाँ जितना वाइट है, 9 व्हाइट है, 3 6 9 9 जो है हमारा रेड लग जाएगा यहाँ पे। यहाँ 9 रेड के बाद फिर इधर भी 1 ब्लू 3 ब्लैक,
वन टू थ्री ब्लैक हो गया, थ्री ऑरेंज के ऊपर थ्री ब्लैक हो गया, बाकी सब ब्लू बन जाएगा। रो नंबर 32 पे ये तीन ब्लैक जो बने थे इसके ऊपर ब्लू हो जाएगा। फिर ये ब्लू के ऊपर ब्लू, फिर रेड के ऊपर रेड, सारा नाइन जो है यहाँ से यहाँ तक पूरा रेड बन जाएगा, फिर सारा यहाँ पे ब्लू बन जाएगा। रो नंबर 33 में एक रेड के ऊपर एक ये ब्लू इधर बढ़ जाएगा और उधर जो है एक ब्लू के ऊपर रेड बढ़ जाएगा, बाकी सब रेड के ऊपर रेड बनेगा। ये ब्लू के ऊपर एक रेड इधर बढ़ जाएगा, बाकी सब ब्लू बन जाएगा। रो नंबर 34 में एक यहाँ एक रेड कम हो जाएगा, यहाँ ब्लू आ जाएगा, तो 2 4 6 8 आठ लाल बनाएंगे और यहाँ बाकी ब्लू बन जाएगा। रो नंबर 35 में एक रेड के ऊपर ब्लू आ जाएगा और उधर एक रेड बढ़ जाएगा, तो आठ रेड बनेगा, यहाँ एक रेड बढ़ गया इधर और इधर कम हो गया, इधर से इधर की ओर बढ़ता चला जा रहा, एक रेड हो गया, फिर बाकी सब ब्लू बन जाएगा। ये रो नंबर 36 कंप्लीट हो गया। अब 37 में बैक साइड से ये आएगा, 37 ये पूरा ब्लू हो जाएगा और ये तो वाइट बन जाएगा। बाकी पूरा